7 जनवरी को होने वाले जिला परिषद और 13 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हुई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने टिकट के लिए जुगाड़ में जुट गए हैं। कांग्रेस और भाजपा में टिकट के इच्छुकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भाजपा में अब तक 58 सीटों के लिए 400 से अधिक इच्छुकों ने आवेदन किया है। वहीं कांग्रेस में जिला परिषद के 58 सर्कलों के लिए 250 से अधिक आवेदन और पंचायत समितियों के लिए 445 के करीब आवेदन मिलने की जानकारी मिली है। कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवारों के मंगलवार को गणेशपेट स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में साक्षात्कार लिए गए। करीब 7.5 वर्ष के बाद जिला परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव होने के चलते भाजपा व कांग्रेस में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने आवेदन किए हैं। भाजपा व कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के इच्छुकों की संख्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टिकट नहीं मिलने पर दोनों ही पार्टियों में बड़े पैमाने पर बगावत हो सकती है। सभी पार्टियों की ओर से तहसील निहाय कार्यकर्ता सम्मेलन व बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सभी पार्टियों को 12 दिसंबर का इंतजार है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के संदर्भ में सुनवाई है। उस पर सुको क्या फैसला लेता है उसके अनुसार ही सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।